मौलाना जफर अली ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब में सेक्रेटरी कश्मीर लिबरेशन सेल कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी इम्तियाज़ अहमद ने कश्मीर के हवाले से अपनी राय का इजहार किया। हमारे जो एरिया में उसके ऊपर मुसलमान हुक्मरान तो उन्होंने उस तहरीक के दौरान माइग्रेट किया था, अब उनको आहिस्ता आहिस्ता वो ला के आबाद कर रहे हैं। हमारा एक नज़रिया ये भी था कि ना सिर्फ मुसलमान कश्मीरी बल्कि वहाँ के जो गैर मुस्लिम हैं वो भी इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते। अब उन्होंने ये पंडितों का एक फैक्शन तैयार किया है जिन्होंने ये कह रहे हैं कि हमको इंडिया के साथ रहना चाहिए, वो भी जी वो वापस आ रहे हैं जो उसको चले गए वो माइग्रेट करके आ रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया देखें यूट्यूब के ऊपर इंडियन लॉबी ने जो है श्री विस्तावा ग्रुप उनका जो है उन्होंने बहुत सारे उनके इंटरव्यूज करके तो यूट्यूब के ऊपर भी डाले हुए हैं ताकि दुनिया का एक ओपिनियन बनाया जा सके कि देखें ये भी कश्मीरी है और ये वापस। लेकिन वो सबका जो गवर्नमेंट है उसका क्या रोल है? अच्छा जम्मू कश्मीर की बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि जब ये फेडरल लॉ इम्पोज किया गया वो पार्टी जो इंडिया के प्रो थी मसलन नेशनल जो कांग्रेस थी या वो नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी उनकी, इन सारों ने ना इंडिया के इस इकदाम के अगेंस्ट कारगिल हुए। आपको याद होगा कि जब कारगिल वार हुई थी तो लेह लद्दाख के अंदर जो हिंदू थे लेह लद्दाख उन्होंने इंडियन फोर्सेस को बहुत सपोर्ट किया, लेकिन जब ये 370 को जो है ना वो ख़त्म किया उन्होंने तो लेह लद्दाख के लोगों के इंश्यूज भी यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं। उन लोगों ने कहा जी कि इंडिया ने हमारी शिनाख्त छीन ली है, हमसे हमारा आइन छीन लिया है, हमसे हमारा झंडा छीन लिया है और हमें इस लिए डेमोक्रेसी का हिस्सा बना दिया गया। विद इन वहाँ पर रेजिस्टेंस है, लेकिन एक बात बताएं 9 लाख फौज जो है ना हर 12 बंदा जो है ना 12वें बंदे के ऊपर एक फौजी वहाँ पर रखा जाता है। इतनी बड़ी जो है वो फौज उसको ला के जब उन्हें फर्क किया कश्मीरी तमाम हुरियत लीडर जो है वो उसको उन्हें गिरफ्तार कर लिया हुआ है। अब जो कुर्बानी है ये सुपर ह्यूमन कैरेक्टर है ना, किस वक्त तक जो है वो बंदा रजिस्ट करेगा? अब जो इक्का दुक्का शहादत के जज्बे के साथ लोग हैं वो तंजीमें वहाँ पे रजिस्ट करनी है, वो लोग वहाँ पे रजिस्टर तो उनका साथ हो गया होना तो पहले पहले वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ थी, अब उनको अपनी पार्टी है अपनी पार्टी। अभी आपने देखा होगा कि ये जो नई बनी है लोकल बॉडी इलेक्शन हुई वहाँ पे तो जो लोग रजिस्ट कर रहे थे 75 लीडर्स को उन्होंने गिरफ्तार किया। वैसे तो 12,000 लोगों को उन्होंने जब से ये 5 अगस्त का वाक्य हुआ है 5 अगस्त के बाद तो 12,000 हमारे कश्मीरी यूथ है उन्होंने प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि बाइक से इंडिया को कोई बंदा फोर्स नहीं करता ना इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। एक रिपोर्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की 2018 में आई थी और 2019 के अंदर आई थी, वो आई तो रिपोर्ट है लेकिन अभी तक जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसके ऊपर कोई एक्शन शो नहीं किया। इराक ने 2 करारदादे यूएन की जो थी